हेलो गाइस, सो अब हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर कॉन्सेप्ट्स। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पहले से मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट कर सकें कैलेंडर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। पहले से ही दिल को थाम लेना कि वीडियो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। कैलेंडर कॉन्सेप्ट का फर्स्ट टॉपिक होगा ऑड डेज, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। ओके, तो ये मैंने टाइटल दे दिया। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज ऑड डे कॉन्सेप्ट। ओके, सो अब डेफिनेशन कैसी है ऑड डेज की, ठीक है। सो डेफिनेशन ये कहती है कि द डेज विच लेफ्ट आउट ऑफ द वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। ओके, नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 8 डेज हैं हमारे पास। अब वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर देते हैं 7 प्लस 1। तो अब ये 7 डेज तो एक वीक को कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बट ये जो रिमेनिंग 1 होगा वो क्या होगा, हमारा ऑड डे। समझ में आया डेफिनेशन क्या कह रही थी, द डेज विच लेफ्ट आउट ऑफ द वीक आर कॉल्ड ऑड डेज, ठीक है। तो 8 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम जाए 31 डेज में, ठीक है, तो 38 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 28 प्लस 1, सॉरी प्लस 3। ओके, तो अब 28 मतलब 7 4 28, इट मीन्स इट विल कंट्रीब्यूट 4 वीक्स। ओके, और जो ये रिमेनिंग आया वो क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 31 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज। अब एक चीज़ यहाँ से पता चलेगी हमें कि ऑड डेज विल ऑलवेज वेरी फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। या तो एक भी नंबर ऑफ ऑड डेज नहीं होगा, यानी एक वीक ही होगा सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 डेज ले लें हम, तो 7 डेज में क्या होगा, 0 नंबर ऑफ ऑड डेज, बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूट 1 वीक। ओके, ऐसे ही 1 ले तो 1 ऑड डे, 2 ले तो, अगर 6 तक ही जाएगा, अगर 7th नहीं आएगा, क्योंकि 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ है कि ऑड डेज हमेशा 0 से 6 में वेरी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब हम ऐसे तो ऑड डेज फाइंड कर नहीं सकते हर बार की इसको ब्रेक करो ऐसे, तो सिंपल ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर बार ऐसे करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो एक न्यू टाइटल ले लेते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल जो भी नंबर दिया हो, जितने भी डेज दिए हो, उसको डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ डेज बाय 7। ओके, वॉट एवर इज द रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड डेज। ओके, सिंपल। सो हम अब एग्जाम्पल ले लेते हो, यही जो लिए थे एग्जाम्पल्स 8, तो क्या करेंगे, 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो 1 इज द नंबर ऑफ ऑड डेज। ओके, सिमिलरली वहाँ पे 31 लिया था, तो 31 उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 7 4 इज 28, सो 3 रिमाइंडर आएगा, तो वो हो गए नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है, सिंपल। सो बस एक चीज़ याद रखना कि 0 से 6 में ही नंबर ऑफ ऑड डेज वेरी करने वाला है, ठीक है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं हो सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 24 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो
तो 24 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 थ्री जाइज 21, सो 3 इज द रिमाइंडर, सो वो हो गए नंबर ऑफ ऑड डेज। अब ऐसा ही क्यों कंसेप्ट नंबर ऑफ ऑड डेज, और कोई तरीका नहीं था क्या? है, काफ़ी सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है, बट ये जो है ना वो सिंपल रहेगा, बाकी कोई जो तरीके होंगे ना उनसे है ना काफ़ी जगह हम अटक जाएंगे, ठीक है। सो यही एक ऑड डेज का जो कंसेप्ट है वही बेस्ट है,